अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अभी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग और आज हम जा रहे हैं ट्रेल 3 हाइकिंग के लिए। तो आप भी एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह इस व्लॉग को। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारे कुछ दोस्त आने वाले थे मेरे साथ, तो हम उनके साथ जाने लगे थे पर वो अभी तक पहुंचे नहीं है। चलते हैं हम अपनी सफर के आगाज की तरफ। बस थ्री पे आज हम लोग जा रहे हैं। कहाँ पर? ट्रेल 3। बिल्कुल। और क्या करने जा रहे हैं? हाइकिंग। और इधर सारे मरने वाले आज देख। क्यों मरने वाले हैं? तू ये कमजोर है, हम तो अल्लाह का शुक्र है। हम पटरासी से, हम नहीं थकते अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग बन रहे हो? हां, व्लॉगर तो मैं हूं। मर से व्लॉगर आए हैं? व्लॉगर तो मैं हूं। हां मेरे यार, मैं भी हूं ना, मैं व्लॉग में नहीं आऊंगा यार। तू इंट्रोड्यूस कराओ यार। हां इधर आ, कल बात कर। इधर नाम क्या है यार? इधर है, इधर देख। मतलब क्या यार? यार तुम्हें उसका नाम नहीं पता यार, वो तैयब साजिद खान। बोल, खड़ा इधर, खड़ा। तैयब साजिद खान आज हमारे साथ। बड़ी हस्ती आई है। हां ये बोलो, बड़ी मशहूर हस्ती है। हस्ती आई है, हस्ती बोल दिया। हस्ती आई है, हस्ती बोल दिया। रियल व्लॉग बना रहा है यार तुम। यार ये फिर वो वीडियो, ये हमारे इधर से लड़ाई हो रही है कि भाई जाना किधर से। ओ इस रोड से जाना है या यहाँ से जाना है? तो अभी देखते हैं क्या डिसाइड होता है। हमने मुश्किल रास्ता चुना है तो हम अभी चढ़ने लगे हैं। बड़ा मुश्किल है पर हम भी खतरों के खिलाड़ी हैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो गाइस देखें हमें कैसे कैसे रास्तों से जाना पड़ रहा है ट्रेल 3 में। तो अभी देख लो। हमारे जिशान भाई, अस्सलाम वालेकुम। हमारे अच्छे दोस्त हैं और हमारे हॉस्टल के चिकनी मलाई है। तो गाइस आप देख सकते हैं हम कितना ऊपर आ चुके हैं और बड़ा सुहाना मौसम है, बड़ा मजा आ रहा है। ये हमारे जिशान भाई, इसका नाम मैं दे चुका हूँ पहले से ही। आप कमेंट में देता हूँ बच्चों के पिटा, कमेंट में एक और दफा लिख दें आप। इधर हमें आपका क्या लगता है वो भी बता दें। ये मेरा बड़ा भाई, हमारा पबजी का प्लेयर भी है ये, और मेरी पबजी की वीडियोस यही बनाते हैं। मेरी गेम तो इतनी अच्छी नहीं है, मैं नूब हूँ बिल्कुल ही। ये हमारे अरीज भाई, इनसे आपका इंट्रोडक्शन हुआ नहीं। तो ये हमारे हॉस्टल के जो है शायर हैं, शायर मगरिब हैं ये। एक शायर सुना दे अरीज भाई, एक शायरी हो जाए। दूर हो सरे हश्र हो, हमें इंतज़ार कबूल है। वो कहीं मिले वो कभी मिले, वो कहीं से ही वो कभी से। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। आप शायरी के बारे में क्या बताएंगे? इन्होंने कैसी शायरी की? समझ तो आई नहीं पर अच्छी थी, अच्छी थी, हाँ, दिल पे लगी। हाँ, तरीका ऐसा था कि मतलब मजा आया, दिल को सुकून मिला। तो गाइस हम अपने सफर के आगाज को शुरू करते हुए दोबारा निकल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, तो गाइस आप देख सकते हैं हम कितना ऊपर आ चुके हैं और हमारी सांस फूलना शुरू हो गई है। अब चलने की हिम्मत नहीं लग रही। ये देख सकते हैं आप, हम दोनों को फुल थक गए भाई साहब, नहीं चला जा पा रहा अब तो भाई। रेस्ट करके ऊपर चलते हैं, अभी जा रहे हैं बस थोड़ी देर में। फिर आपको उधर ही। हेलो दिस इज माय फैमिली। तो गाइस हमने आधे से ज्यादा रास्ता कर लिया है, बड़ा मजा आया सबको, सबको मजा आया, एंजॉय किया है। तो बस आगे हम थोड़ा सा। आप लोगों का मोरल कैसे है? हम आप मोरल आपने क्यों किया? मोरल इज हाय। यार भाई आपका नाम क्या? यार एक मिनट मुझे ये बताओ, ये तुम्हें क्या पागलपना होता है सुबह सुबह उठ जाते हो? तो हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, ट्रैक बड़े मजे के, तो बड़ा मजा आ रहा है। अब हम थोड़ा आगे जाके फिर आपसे बात करेंगे और आगे आपको व्यूज दिखाएंगे। भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? फैसल मस्जिद का हम आपको व्यू दिखाएंगे, नीचे व्यू भी आओ इधर। बस आगे हम आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। थैंक यू गाइस, हमने आपको ब्रेक के बाद फिर ज्वाइन कर लिया और अब हम आपको दिखाएंगे ब्यूटीफुल इस्लामाबाद के रावल लेक का व्यू। ये देख सकते हैं आप, बड़ी ठंडी हवाएं लग रही हैं, खुशगवार मौसम है और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ट्रैक भी थोड़ा सा, ये ट्रैक भी खुशगवार नहीं होता, थोड़ा ट्रैक खुशगवार होता है, खुशगवार। ये हमारी उर्दू ठीक कर रहे हैं, हम बड़े शायर हैं तुम्हें पता नहीं है यार। एक जगह स्टेबल हो जाओ। अच्छा, और बड़ा मजा आ रहा है ट्रैक पे, बड़ा हमें अच्छा लग रहा है आके, और बड़ा अच्छा व्यू है यहाँ से, और खुशगवार मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही हैं,
और फवाज भाई, ये मैंने बोल दिया था, बोल दिया था, ठीक है यार। फवाज भाई पिंडी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? पिंडी हमें दूर दूर तक नजर तो आ रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। रिच व्लॉगर ये जो है, ये हम यार तुम चुप करो ना, डेड सी है, ठीक है, डेड सी है, ये डेड सी है, ये मेडिटेरियन और अरेबियन को कनेक्ट करते हैं। और ये पीछे जो ये बीच में जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये वो मलेशिया का नहीं है, वो जिसपे ए बना होता है, अच्छा ये वो है, ठीक है। और ये मैं पाकिस्तान, ये तो यूरोप का नक्शा बता दिया। ये मैं आवाज भाई, हम यूरोप में नहीं, आप टावर, ये मैं लपेट रहा हूँ, ये मैंने लपेट लिया, ये मैंने इम्पोर्ट करवाई, और ये शापर पाकिस्तान में, और ये सारे शापर एडवेंट्री एंड दिस टू आर मंकी विद मी, ये स्पेशल मार्कोर फ्रॉम सिंध, टू लेग्स मार्कोर फ्रॉम सिंध एंड थ्री, ये तो पूरा एंड ये, और वी आर गोरिल्ला, देख सकते हैं ये हम चढ़े हुए हैं और हम ये मंकी बने हुए हैं, नीचे दिखाओ ना कितना ऊपर है, ये देखें, ये तकरीबन हम समंदर की उससे तकरीबन 12,000 फीट ऊपर आ चुके हैं, और उसके पैर पे और ये एक मंकी, ये एक मंकी नीचे बैठा हुआ है, ये मंकी थक चुका है, और ये साइड में तस्वीर ले ले यार, और हेलो मंकी, प्लीज यार, बहुत निराली है, माय इंग्लिश वेरी गुड ब्रो, आई एम हाईली क्वालिफाइड यार, मैं स्टाइल से बैठा हूं यार, एंड गाइस आपको फिर हम मुलाकात होगी, सी यू अगेन, पाकिस्तान आके मिलते हैं, अभी हम न्यूजीलैंड के पहाड़ों में हैं, अल्लाह हाफिज़। ओ भाई लोग आ जाना, देख लो यार कहाँ से आना पड़ रहा है, इतना मुश्किल है यार ये, ओए भाई चढ़ूँ कहाँ से अभी मैं, ओए माँ यार बहुत आला यार, बहुत मजा आया, तो हमारे दो साथी ये आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, इनकी तो हालत टाइट है लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं, नेवर गिव अप, कम ऑन, यू कैन डू इट, शाबाश शाबाश, कर सकते हो तुम, आपको भाई, एंड ये चला, किधर से चढ़ना है, ये भाई हमारे एक बैठे हुए हैं, इन भाई के लिए सबसे मुश्किल रास्ता है लेकिन ये इजीली आप आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ गए हैं, और मुबारक हो आप निकल आए हैं, हमें तो यकीन नहीं था आप निकल पाएंगे, फरीद भाई निकल आए, अरे आप कर सकते हो आप, टावर है ऊपर नहीं चढ़ना, आओ टावर में बैठो भाई लोग, इधर हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और ये हमारी दूसरी पार्टी हमको मिल गई है, ये भी फुल लगे हुए हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आह आह क्या बात है जी, क्या बात है, ओ खुशी हो रही है आपको, खुशी हो रही है पहुंच के, लवी सीरियस लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, दिल गार्डन गार्डन, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, अच्छा भाई लोग अभी हम जो है खाना खाने आए थे जंगल पॉइंट पे, तो बस खाना खा लिया है, अभी निकल रहे हैं यहाँ से, हम लोग में नहीं आएंगे, आप खाना भी दिखा दो जो आपने सारा जम किया, तो दो तीन प्लेटें नीचे फेंक भी दी, चाय भाई देख लो, पैसे तुमने नहीं दिए, वो मुझे बाद में दे देना, तो यहाँ पर ट्रेल 3 और ट्रेल 5 पे मैं विजिट कर चुका हूँ, ये मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है इधर का थोड़ा व्यू, और मतलब हाइकिंग और मतलब स्टीप बहुत ज़्यादा आती है ना इस तरफ, तो मतलब इधर के लिए आप मतलब ड्रेसेस आते हैं, तो फॉर एग्जांपल कोई आता है
अपर बनियान शर्ट्स पहनकर आ जाते हैं कि ठंड है उधर। सर्दी में मतलब ज्यादातर हाइकिंग के लिए, तो गर्मियों में तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना, तो मतलब इतने ज्यादा मतलब अपने आप को कवर करके आने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। मतलब जैसे हाइकिंग करते हैं आधे घंटे या 15-20 मिनट के लिए, फौरन फिर गर्मी और पसीना आना शुरू हो जाता है। और साथ में आप अपने साथ फ्रूट्स रखें, रास्ते के लिए पानी रखें और इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, आपकी हाइकिंग आसानी होगी। मतलब ग्रुप्स में आएंगे आप, इंजॉय भी करेंगे और मज़ा भी आएगा आपको, और मतलब व्यू भी बहुत अच्छा आएगा, अच्छी चीज़ें मिलेंगी वीडियोस पिक्चर्स और ब्लॉग्स बनाने के लिए। चलो फिर हम आ जाए थे, तो इधर हमने मनाल तो सील हो चुका है फिलहाल, तो हमने इधर नाश्ता किया सुबह का। वकास भाई अच्छा लगा आपने व्यूवर्स को बताया कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रुकावट हैं। भाई लोग हम अपना व्लॉग एंड करते हैं, अब काफ़ी थक चुके हैं, इतना मज़ा भी आया काफ़ी ज़्यादा, तो उम्मीद करता हूँ आप सपोर्ट करेंगे मुझे। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, आपकी सपोर्ट की वजह से मैं आगे भी व्लॉग बना सकूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।